पर एजुकेशनल टूर के लिए आए, तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ अच्छी लगी? जी मैं बीए फर्स्ट ईयर से हूँ, मेरी टीचर्स तीन आए हैं मेरे साथ और फर्स्ट ट्रिप है मेरा ये यहाँ पर। ये जो स्विमिंग पूल है बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वेलकम जो हुआ बहुत ही प्यारा लगा। पहली बार किसी से दोस्ती करने को मिला, अच्छा खासा इंटरेक्शन हो गया, टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली हो गई, आप लोग की सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है कि अब पूरी फैमिली को लेके आके यहाँ पे मतलब रहना चाहिए, घूमना चाहिए। और यहाँ का फूड सर्विंग बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। भोपाल के पास कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यारा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, पूरा ग्रीनरी। आप बहुत कोसों दूर हो बीमारी से, यहाँ पे सारे प्लांट्स वगैरह और इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है, जिस हिसाब से यहाँ पर आने पे आपको सुकून मिलता है। आज तक लोगों ने महुआ के पेड़ भी नहीं देखे होंगे, जानते भी नहीं होंगे, पर आज देख यहाँ पर आके महुआ के पेड़ भी देख सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा गेम जो म्यूजिकल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सब एक साथ खेले, एक साथ बैठे, एक साथ अट्रैक्शन हुआ। अच्छा सबसे अच्छा वही लगा, जितना भी सजावट है, बैट्स और लाइट्स वगैरह डेकोरेशन, वो बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत यूनिक है। यहाँ पर आके आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली के साथ आप यहीं पे स्टे करो। और मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है, जिन लोगों से बात नहीं हो पा रही थी उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। जो चीज़ हमें पसंद है वो यहाँ पे, मतलब स्विमिंग पूल, और इवन हमारे टीचर्स से कह रहे हैं कि अब हम प्लान करते हैं यहाँ पे स्टे करने का, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। अपना हमने इतना फन किया, अब हमें बाटी खाने को मिलेगा, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। या श्योर, आई वुड लव टू से, जगह बहुत सुंदर है, मस्ट विजिट है ये। बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, हर जगह कहीं भी जाओ हमें फोटोज़ बहुत अच्छी आती है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और ये मैंने कभी देखा भी नहीं था। इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड थे कि तुम जाओ, अच्छी जगह है, घूम के आओ। दो टेंट में गए, वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वहाँ ऊपर गए, वहाँ पे खेला, वहाँ पे झूला झूला, बहुत अच्छी जगह है, स्नूकर भी खेला, बहुत अच्छा था। यहाँ पर सब कुछ है, स्विमिंग पूल, गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, झूले वगैरह, गार्डन, पार्क, सब कुछ है। ऐसा लगता है कि यहाँ से दो तीन दिन रुकने के बाद हम लोग जाएं बाहर और कहीं ले जाते तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा यहाँ पर लगा। बहुत अच्छा लगा। टाउन साइड में रहते हैं तो फॉरेस्ट बहुत कम दिखाए जाता है, यहाँ पे हर चीज़ें, महुआ प्लांट्स बहुत सारे हैं, ट्रीज, ये बहुत अच्छा है, एडवेंचरस कैंप जैसा ये, और एनसीसी वालों को हर चीज़ें यहाँ पे। मैंने ये सोचा है कि मैं शादी के बाद ज़रूर आऊँगी यहाँ पे। शादी कब होने वाली है आपको, तो हम बुक करके रखेंगे पहले से। शादी का भी कंफर्म तो नहीं है, बट ये कंफर्म है कि होगी 8 ईयर समथिंग। ये जगह कुछ अलग लगी, थोड़ी आइडियल है, आइडियल है और भोपाल के पास भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मोबाइल्स में रहते हैं, हमें बहुत सारी जगह ले जाते हैं कॉलेज की तरफ से, बट इधर आके हमने पूरा यहाँ पे घूमा, मोबाइल को इग्नोर किया ज़्यादातर। यहाँ पे कैंपिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप ऐसे कहीं भी आप कैंप नहीं कर सकते, ऐसी कोई साइट ही नहीं है जहाँ पे कैंपिंग सिस्टम होता हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा और सेफ है। और सबसे अच्छा ये है कि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि है ना कोई टीचर्स है तो आपको डांट रहे हैं या आपको कुछ कर रहे हैं, आप यहाँ बिल्कुल फ्री हो। लोग बहुत फॉर्चुनेट इनफ हैं कि हमारी टीचर्स हमें यहाँ पर लाए, मतलब यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और यहाँ के जितने लोग हैं जो भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब एक फैमिली की तरह सब यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सबको ही बहुत मज़ा आया यहाँ पर, और यहाँ पर इंसान अपनी वीकेंड्स बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकता है। एक ही प्लेस पे आप वॉलीबॉल भी कर रहे हो, आप ट्रैकिंग भी कर रहे हो, आप पूल में भी हो, मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ की रेटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देते हैं सब लोग। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे पीस बहुत है, मचान में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांत। तो आज कॉलेज का डे है फिर भी हम लोग यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। टेंट्स बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, और सारे सीनियर्स भी हैं मेरे और मेरे क्लासमेट्स भी हैं, सबके साथ बहुत बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। और इस प्लेस को देख के बस एक ही चीज़ लगती है, दैट इज़ द नेचर एट इट्स बेस्ट। मतलब जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो जो यहाँ का ऑरा था, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ से, तो मतलब कि, और बाकी तो आप लोग गर्ल्स में देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा लड़कियाँ बहुत खुश हैं, दे आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट। मुझे ये
कैंपेन और ट्यूरिंग और ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा डर लगता है कि मतलब बहुत स्ट्रगल होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टफ होने वाला है, लेकिन यहाँ आके फील हुआ कि नहीं, इट्स सो इजी और मतलब इतना मस्त था, रियली आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत ही अच्छा था। उसके जो भी होस्ट थे उनका अमेजिंग अरेंजमेंट था, उनके अरेंजमेंट देख के मुझे राजस्थान, आई बिलोंग टू राजस्थान, मुझे राजस्थान की याद आ गई। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी भोपाल में मैंने पहली बार देखी है। फूड क्वालिटी वॉज ऑसम, बहुत अच्छा नाश्ता था। और इसके अलावा जो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे भी कल तक, मुझे अपना ये आजकल बहुत मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है, भागा दौड़ी, कॉलेज में काम का प्रेशर, घर में काम का प्रेशर, और यहाँ के मैं बहुत रिलैक्स हो गई, सारे प्रेशर रिलीज हो गए। अब की ट्रिप और एजुकेशनल ट्रिप दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेस इज मतलब परफेक्ट। मुझे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है पूरी और ये पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यहाँ आप एक छोटे से लैम्प को लेकर या साइड जो है वो पट्टियाँ बनी हुई, उसे भी अगर आप गौर से देखें तो वो सारी मिट्टी के जो परात हैं उससे मशरूम डिज़ाइन बना के उन्होंने उसको लैम्प्स को बनाया है। और हर चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि नेचर के हम पास आ गए हैं, इतनी प्यारी लगती है। जैसे अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि सब बच्चे जो है वो ज़मीन पर बैठ कर भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात वो ज़मीन से जुड़े हैं, खड़े होकर वो खाना और डाइजेशन नहीं होना, हम सब लोग कहते हैं बैठ के पानी पीजिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उस लिहाज से कैसा लगता है? लाने से पहले हमने सभी पेरेंट्स को इनकी साइट बता दी थी, उन्होंने उसको उसमें सर्च करा, और अगर देखें कि थोड़ा सा अंदर की तरफ आना पड़ता है, लोगों को ये डर लगता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, तो बहुत सेफ है। यहाँ एक बार आने के बाद कोई दूसरी जो ग्रुप है उसको यहाँ अंदर नहीं आने दिया गया, पूरी तरह से सेफ्टी है। और जब बच्चे यहाँ से जाएंगे तो मेरे को उम्मीद है कि अच्छे ही फीडबैक देंगे बच्चे अपने माता पिता को, और आशा करते हैं कि वो विद फैमिली यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो